नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे आप सीएससी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट आईडी पासवर्ड कैसे ले सकते हो। दोस्तों अगर आप एक सीएससी बिली और अभी तक आपको डिस्ट्रिक्ट यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो आप डिस्ट्रिक्ट यूजर आईडी पासवर्ड बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से आपको डिस्ट्रिक्ट यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, कब तक मिलेगा, जल्द लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। अगर आप दोस्तों डिस्ट्रिक्ट यूजर आईडी पासवर्ड लेना चाह रहे हो सीएससी के द्वारा तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, बिना स्किप के आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि तुम्हारा भाई दोस्तों यहाँ पे जन्म वीडियो लाता रहता है। अब हम चलिए डिटेल में समझाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट यूजर आईडी पासवर्ड लेने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सीएससी के द्वारा। दोस्तों सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन कर लेना है, यानी सीएससी को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करना है और सर्विसेज के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और यहाँ पर आपको दोस्तों इधर साइड में सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दोस्तों सर्च करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर स्पेस वगैरह नहीं देना है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वैसे काफ़ी स्टेट में तो मतलब सीएससी के द्वारा जो भी ये काम होता है ये मतलब जैसे राशन कार्ड वगैरह का, तो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो है आगे की वेबसाइट पे भेज दिया जाए। ये दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार आ जाएगा, देखिए खुल के आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ डेस्कटॉप साइड में लगा रहता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें सर्विस की बात करें तो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिल जाए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हो, आ गया तो निवास बना सकते हो और आपको पता होगा राशन कार्ड की सर्विस मिलती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि आप कुछ ही अगर डिस्ट्रिक्ट से आते हो मतलब उत्तर प्रदेश में रहने के बावजूद भी तभी आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए नीचे यहाँ पे आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए सहारनपुर है और यहाँ पे देखिए बस्ती दिवरी, इतने ज़िले में अगर आप दोस्तों रहने वाले हो तो आप सीएससी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट आईडी पासवर्ड ले सकते हो। अगर आप इनमें से आते हो तो आपको चेक कर लेना होगा, हालांकि कुछ दिन का हो सकता है सभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएं उत्तर प्रदेश के, लेकिन अभी कुछ ही आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, ऊपर साइड में एक ऑप्शन देखिए मिल जाता है लॉगिन विद डिजिटल सेवा कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने है वो एक नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे सीएससी आईडी आपको मिल जाएगी, यूजर टाइप मिल जाएगा, बिली ईमेल आईडी आपकी मिल जाएगी और स्टेट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, बस प्रोसीड पे क्लिक करना है, टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे देख लेना है। जिससे आप प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट पेज फिर से खुल के आ जाएगा। पेज आपके सामने पे इस प्रकार आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, यानी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नेम देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ईमेल आईडी अपनी देनी पड़ेगी, स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट नहीं हो रही है, ब्लैंक जैसा आ रहा है, तो हो सकता है आपकी सीएससी न्यू सीएससी हो सकता है दोस्तों आपने अभी न्यू सीएससी ली हो इसलिए यहाँ पे काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपके फिर भी यहाँ पे नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं डिस्ट्रिक्ट के तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये प्रॉब्लम आ रही है अगर तो। वैसे दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, ग्राम पंचायत विलेज। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 1.72 रुपये जन कुछ ही यहाँ पे फीस कटेगी, सबमिट करोगे तो वहाँ पर आपको वॉलेट में डालना पड़ेगा, फीस कट जाएगी, हालांकि अभी मैंने देखा था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ दिन तक वेट करना है, काफ़ी लोग दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल पाती है, कुछ लोगों का ये भी कहना है। दोस्तों यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको लगभग कुछ दिन तक वेट करना है, लगभग 1 से 2 वीक। उसके बाद अगर आपको फिर भी यहाँ पे कांटेक्ट नहीं किया जाता या मतलब और जो यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा वो आपको ईमेल के जरिए मिलेगा, आप अपनी ईमेल को चेक करते रहिए, ईमेल पे आ जाएगा। लेकिन काफ़ी दिन हो जाते हैं नहीं मिलता है, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए दोस्तों आपका जो सीएससी का टोल फ्री नंबर है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उन्हें जानकारी बता सकते हो, शिकायत दर्ज करवा सकते हो। या दूसरा दोस्तों सिंपल तरीका है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है और जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं सीएससी के उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनके थ्रू आपको जल्दी मिल जाएगा। वहां पर भी दोनों तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपको डिस्ट्रिक्ट यूजर आईडी पासवर्ड बिल्कुल मिल जाएगा। बाद में आप आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा, बाद में आप आसान तरीके से काम करवाओगे। आपको पता होगा लॉगिन करने के लिए यहां से आपको बस किसी गूगल ब्राउजर में ओपन करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट, यहां पे मतलब आपको पता होगा लॉगिन कैसे करना, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सर्च करोगे, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सर्च करोगे तो पहला लिंक मिल जाएगा, यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की जो भी है ऑफिशियल से लॉगिन कर सकते हो और यहाँ से आप मैपिंग वगैरह देख सकते हो कि मतलब कितने लोगों का यहाँ पे जो भी है डिस्ट्रिक्ट आईडी पासवर्ड है दोस्तों, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये आपको डिस्ट्रिक्ट आईडी पासवर्ड जब भी मिलेगा उन डिस्ट्रिक्ट में आते हो अप्लाई करना पड़ेगा,
और आप कॉन्टैक्ट जरूर कर लें, जब भी आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। इसमें दोस्तों पैसे देने की कोई बात नहीं, क्योंकि बिल्कुल फ्री मिलता है। 102 रुपये वाली बात है, वो कुछ फीस कटती है, वो आपको देनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जो आप यहाँ पर सर्विस से पैसे कमा सकते हो और लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ अब आप सीख गए होंगे कि डिस्ट्रिक्ट का यूजर आईडी पासवर्ड हम CSC के द्वारा कैसे ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई भी डाउट है, फिर कोई भी कन्फ्यूजन आपको लग रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों तो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।